नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। रीवा में रिटायर्ड शिक्षक से 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ लेखापाल को लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि लेखापाल ने रिश्वत की रकम सेवानिवृत्त शिक्षक से अर्जित अवकाश का नकदीकरण बिल ट्रेजरी लगाने के एवज में मांगी थी। लेखापाल के खिलाफ लोकायुक्त की टीम ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। लोकायुक्त SP गोपाल सिंह धाकड़ ने बताया कि रिटायर्ड शिक्षक वीरेंद्र कुमार शर्मा निवासी ग्राम सुरसा खुर्द तहसील रायपुर करचुलियान ने लोकायुक्त कार्यालय आकर शिकायत की थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया था कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ लेखापाल दयाशंकर अवस्थी उनके रिटायरमेंट के बाद अर्जित अवकाश का नकदीकरण का बिल ट्रेजरी लगाने की एवज में 1.5 लाख रुपए रिश्वत की मांग कर रहे हैं, जिसकी पहली किस्त 50,000 रुपए मांगी जा रही है। शिकायतकर्ता की शिकायत को सत्यापित करने के बाद शुक्रवार दोपहर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर करचुलियान के सामने पार्किंग में 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लेखापाल दयाशंकर अवस्थी को ट्रैप किया गया। लोकायुक्त उप पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह परिहार, प्रमेंद कुमार और राजेश खेड़े सहित 15 सदस्यीय टीम लगातार पूछताछ कर रही है। ये शिकायतकर्ता हैं जो कि सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, 2 साल से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वीरेंद्र कुमार शर्मा। इनका 2 वर्ष होने के पश्चात भी अवकाश नकदीकरण का बिल, ये जो आपके विकास खंड शिक्षा अधिकार रायपुर करचुलियान के लेखापाल दयाशंकर अवस्थी हैं, ये वहाँ पर ट्रेजरी नहीं भेज रहे थे, कोई ना कोई उल्टी सीधी आपत्ति ला के वापस कर दे रहे थे। और जब इन्होंने उनसे बात की कि भैया मेरा काम कर दो, तो उन्होंने बोला था कि 1,60,000 रुपये लगेगा, BO साहब को देना पड़ेगा, ट्रेजरी ऑफिसर को देना पड़ेगा, तब तुम्हारा बिल पास होगा, ऐसे थोड़ी काम हो जाता है। इस प्रकार की उसको बातें कही। इसकी शिकायत उसने कल दिनांक 22/8/2024 को लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को की थी। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस बात का सत्यापन कराया गया, जिसमें आरोपी दयाशंकर अवस्थी द्वारा 1,50,000 रुपये की डिमांड की गई। तब उनमें तय हुआ कि 50,000 पहले दे दीजिए, 1,00,000 बाद में दीजिएगा। तो आज 50,000 रुपये देते हुए दयाशंकर अवस्थी को रंगे हाथ ट्रैप किया गया है, कार्रवाई की जा रही है। हाँ, ये कार्रवाई अभी जारी है और उनका जो आगे वास्तविकता में कौन कौन पैसा मांग रहा था, इस बात का भी सत्यापन किया जाएगा। कुमार शर्मा मैं रायपुर करचुलियान CM राइज विद्यालय से नवंबर 2022 में रिटायर हुआ था, तब से आज तक और मेरे क्लेम मिल गए थे, अभी 2 मेरे क्लेम नहीं मिले हैं। 2 फंड से में तो एक फंड मेरा तैयार है, 6 लाख का अवकाश नकदीकरण जो 6 लाख का है, जिसमें ये 1,60,000 रुपये मुझसे रिश्वत मांग रहे थे, 1.5 वर्ष से ऊपर बिल बना हुआ है, अब उसको नहीं देते थे। फिर 1,60,000 से अभी आए 1,50,000 में, 1,50,000 में बोले कि हमको BO को भी देना पड़ेगा, ट्रेजरी ऑफिसर को भी देना पड़ता है, तो हमको 1,50,000 चाहिए ही चाहिए, यदि निकलवाना है, नहीं निकलवाना है तो रहने दीजिए। तो मैंने कहा कि चलिए ठीक है, फिर मैं यहाँ आया, शिकायत किया, शिकायत में यहाँ से फिर भेजा गया, जाँच की गई, तो वो जांच सत्य हुई, फिर ये हुआ, ये परसों नरसों मैंने किया है। रायपुर करचुलियान में स्वास्थ्य विभाग के सामने हुई है, 50,000 हमसे वो लिए हैं, 1,00,000 2 दिन बाद देना था। अब ये बोले थे कि मैं आपका 1 दिन के अंदर ही 6 लाख रुपए दिलवा दूंगा, 5,91,000 था लगभग, 6 लाख 1.5 साल से 2 वर्ष मुझे रिटायर लगभग हो रहे हैं, रिटायर हुए पैसे मेरा नहीं दे रहे थे, अभी 7वें वेतनमान का एरियर मेरा पड़ा हुआ है, निकालते नहीं थे। हम वहीं गांव ग्राम पोस्ट सुरसा तहसील रायपुर करचुलियान,